नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट चुकी है। उम्मीद की जा रही थी कि कंगना की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कंगना की फिल्म दर्शकों के लिए तरस गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कई थिएटर्स में इसके शोज तक भी कैंसिल करने पड़े। कहा ऐसा जा रहा था कि कई थिएटर्स में तेजस की एक भी टिकट नहीं बिकी, जिसके चलते 50% से ज्यादा शोज कैंसिल करने पड़ गए। सोशल मीडिया पर कंगना से चिढ़ने वाले लगातार उन्हें इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं, उनके फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बीच कंगना की हेटर्स कहे जाने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी एक्ट्रेस का मजाक उड़ाया है। बता दें कि कंगना और ऋचा चड्ढा के बीच 36 का आंकड़ा है। यूं तो दोनों के साथ में पंगा जैसी फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया है, लेकिन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं अब लीजिए, ऋचा चड्ढा ने कंगना की सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ा दी। कंगना रनौत की धुर विरोधी ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट करके नया विवाद खड़ा कर दिया। हाल ही में ऋचा ने ट्विटर पर लिखा, कर्मा इज रियल, जिसके बाद ऋचा ने दूसरे ट्वीट में लिखा था, कर्म कहते हैं जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा, इसलिए हमेशा दयालु बने रहें। भले ऋचा चड्ढा ने कंगना रनौत का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका यह बयान इस ऐसे वक्त पर आया है जब सोशल मीडिया पर कंगना के फिल्म तेजस के फ्लॉप होने का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ऋचा के बयान को लोग कंगना से जोड़कर देख रहे हैं और जमकर इस पर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। हालांकि ऋचा ने अपने दोनों ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। वैसे ऋचा चड्ढा से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस राज्य सचिव रिया डिसूजा ने भी कंगना पर चुटकी ली थी। रिया डिसूजा ने एक्स पर लिखा था, कर्मा इज फॉर रियल, कंगना रनौत नॉट जस्ट तेजस मूवी बट इवन इमरजेंसी विल बी ए फ्लॉप, यू डिजर्व एवर बिट ऑफ कर्मा सर्व, यू टॉर्चर्ड ऋतिक रोशन अननेसेसरली, यू टारगेटेड करण जोहर एंड आलिया भट्ट अननेसेसरली, यू कॉल्ड अवर फार्मर्स खालिस्तानीज। बता दें कि कंगना की तेजस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ कुछ लाख का ही बिजनेस कर पाई है, जबकि इस फिल्म को 65 करोड़ के बजट में बनाया गया था। कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। पिछले साल आई धाकड़ भी बुरी तरह से पिटी थी, वहीं अब तेजस का भी बुरा हाल हो गया। कंगना ने बीते कई सालों से बॉलीवुड का काला चिट्ठा खोल रखा है। बड़े बड़े स्टार्स पर वो निशाना साध रही हैं। नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स मामले पर कंगना ने जमकर बॉलीवुड को लताड़ा। लगता है यही वजह है कि अब ऋचा चड्ढा ने कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर तंज कस दिया और कह दिया कि कर्म कहते हैं जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, इसलिए हमेशा दयालु बने रहें। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको कंगना का वो वीडियो जिसमें वो दर्शकों से फिल्म देखने की अपील कर रही हैं। दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फोन है और घर में टीवी है, लेकिन कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद।